नमस्ते पांच सौ पचहत्तर शो का नाम और ये हमारा चौथा एपिसोड अगर चौथे एपिसोड तक आपको ये नहीं पता कि हमारे शो का नाम पांच सौ पचहत्तर क्यों है तो फिर थोड़ी पढ़ाई करो और समझो कि इस क्रिकेट शो को हम पांच सौ पचहत्तर क्यों बोलते हैं मेरा नाम है अर्जुन एंड एज ऑलवेज बाय जेमी ऑल्टर और आज जो बातचीत हमें करने वाली है थोड़ी ब्रॉड ओवर हमें चाहिए यहाँ पे तो इसलिए हमारे साथ न्यूज क्लिक के रेजिडेंट क्रिकेट एक्सपर्ट मिस्टर गौतम नवलखा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर थैंक यू सो मच फॉर अस आई एम ठीक है सर <laughs> पर पे no जैसा no कि amateur. आप देख सकते हैं पीछे बड़ी बड़ी प्यारी फोटो यहाँ पे लगी हुई है बीसीसीआई प्रेजिडेंट एंड मच फिगर इन इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट सौरभ गांगुली जिनके तीन महीने पूरे हो गए हैं एज प्रेजिडेंट ऑफ द बीसीसीआई इन अ वे क्योंकि अब छह महीने बाकी हैं इन अ वे उनके लुक बैक फर्स्ट थ्री मंथ्स के बारे में हम बात करेंगे सर आप शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में नहीं तो नहीं आप पहले शुरू निखिल पिंक बॉल टेस्ट हो गया है स्मॉग टी हुआ राइट एट द स्टार्ट ऑफ उसके बाद में प्लेयर्स के बारे में बात हुई डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में बात हुई है इतनी चीजें हुई हैं और कई चीजें तो जब इम्प्लीमेंट होगी तभी हमें पता होगा लेकिन वैसे तो तीन महीने बहुत कम टाइम है टू जज एनिम की क्या करेंगे यानी बट अगर आप कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखें कि किस तरह की चर्चा हो रही है तो शायद आपने जो इमेजिन किया होगा बी जैसा होगी वैसी नज़र नहीं आ रही फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी खबर यह है कि अब जब लोधा कमेटी ने जो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली थी अब उसको वापस चेंज करने की कोशिश की जा रही है एजीएम में आ, थ्री फोर्थ मेजोरिटी के साथ कई कई चीज नोटिस भेजा गया जय शाह की तरफ से जो सेक्रेटरी थे कि भाई कुछ चीज़ें बदलते हैं उनमें बहुत अहम चीज़ें हैं जिसकी पूरी लड़ाई हुई थी जो इतने साल तक चला जिसमें आपका है एज कैप जो सेवेंटी ईयर्स का था कि उसके ऊपर ना हो उसमें एक चीज चेंज की जा रही है कि आउटसाइड बीसीसीआई आप रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो जिसका मतलब ये हो सकता है कि एन श्रीनिवासन आईसीसी के हेड बन सकते हैं वो शख्स जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता बट ऑलमोस्ट धक्के मार के निकाला था बीसीसीआई से वो तो वैसी चीजें चर्चा हो रही है उसके अलावा जो कैप था छह साल का उसके बाद जो कूलिंग ऑफ पीरियड था उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है ये की आपको पता है नौ महीने का इनका टेन्योर है वो बढ़ के अब ज्यादा हो सकता है अगर सब कुछ पास हो जाए क्योंकि आप डोमेस्टिक लेवल पे जो स्टेट एसोसिएशन में जो आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर है उसको नहीं गिना जाएगा तो उसका मतलब ये है कि जो जो नौ महीने जो की सेकेंड की नई मांग ये नई चीज है लेकिन इसमें एक जो हर्डल uh, आता है इनके लिए वो ये है कि अभी तक इनको अगर कुछ भी पास कराना है थ्री फोर्थ मेजोरिटी तो चाहिए बीसीसीआई में लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाना है अभी सुप्रीम कोर्ट का वेट हो रहा है प्लस ये, ये चीज निकालना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े आगे से आगे से आप कोई चीज चेंज करना चाहे तो आपको पर... सुप्रीम कोर्ट में ना जाना चाहे उसका बहाना ये है कि इसलिए नहीं हम चाहते सुप्रीम कोर्ट हो कि हर मुद्दे पे हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे तो, तो सही है ना सर प्रैक्टिकल नहीं है आप बोर्ड चला रहे हो आप हर बारी कोर्ट के दरवाजे पे तो नहीं जाओगे ना नहीं एक तरह से जो आप कह रहे हो सही है लेकिन फिर आपको वहीं पे ले जाएगा ये जहां से हम छह सात साल पहले जहां शुरुआत हुई थी कि बोर्ड में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिसके वजह से कुछ लोग जिसे हम कोजी क्लब कहते थे वो कंट्रोल कर रहे थे उसको हटाने के लिए आपने इतनी रिकमेंडेशन लाई इतना बदलाव हुआ सुप्रीम कोर्ट के चक्कर कटे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ अब अगर आप वापस वैसा कर देते हो थिन लाइन है कुछ मानता हूँ कुछ छोटी चीज़ें हैं जो नहीं होगी लेकिन फिर वापस ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते थे कि बीसीसीआई में ना हो वो है बड़ा मुद्दा

Playing playing cricket, playing, and who served the country so well. Mr. Gavaskar is also. Popular. Hmm. Hmm. He is ट प्लेंग ऐसे शख्स को आपने बीसीआई का अध्यक्ष बनाया है। <laughs> नौ महीने के लिए बनाया है वो अपनी जगह है लेकिन उसी के दौर में यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट Committee चेंजेस विच लोडा Again, under under सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव अब उस चीज को बदलने के लिए नाई नौ महीने जो इनके पास है उसमें जाहिर है कि बीसीआई के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर लादा गया है उसको कमजोर करें तो इस कोशिश में गांगुली कि क्या भूमिका रहेगी दैट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर आप गेम को बचाना चाहते हैं जैसा कि निखिल ने बताया कि पांच छह साल पहले जो हालात थे और ये उससे पहले से चले आ रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई तो एक एक अपने आप में क्लब था और वो फिर दोबारा वही बन जाए तो इससे क्या फायदा होने वाला है हिंदुस्तान के क्रिकेट को सो बट बीसीसीआई के द्वारा फायदा तो, है पैसा है गेम चल रहा है प्लेयर बन रहे हैं टीमें है, आपकी बन रही हैं तो एक लिहाज से आप ये भी तो कह सकते हो कि बोर्ड अपना काम कर रहा है क्योंकि अगर आप दूसरे खेलों पर देखें वहां तो उतना भी नहीं हो रहा जहां आप कह सकते हैं आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है तो उसमें बोर्ड का कुछ ना कुछ तो हाथ है ही जो वो डिसीजंस ले रहे हैं जो वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो वो तो हमेशा भविष्य से है वो करता है चाहे <coughs> सौरव गांगुली प्रेसिडेंट हो या नहीं हो नॉन क्रिकेटर भी जब रहे हैं बोर्ड हमेशा अच्छा करता है एक्चुअली इट्स अ मॉडल दैट ऑल अदर स्पोर्टिंग बॉडीज शुड लुक एट कि वो करता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं नहीं कि कि आप देखेंगे नहीं कि क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं बोर्ड में भाई अच्छा कर रहे हैं लेकिन यहां पर जैसे ये सवाल है ना वापस वही जाता है कि आप सरोगांगुली गांगुली के रोल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चेंजेस हो रही हैं क्या उनका हाथ है या नहीं पर आप इसके लिए पीछे जाइए कि उनका इलेक्शन कैसे हुआ था ये बात साफ है इस वक्त की अमित शाह या फिर अनुराग ठाकुर ने बहुत अहम किरदार निभाया था इनको बनने के लिए क्योंकि आप जानते आज से नहीं हमेशा से बीसीसीआई में पुश एंड पुल होता है आप एक किसी को नहीं मना सकते क्योंकि आपको मेजोरिटी चाहिए मेजोरिटी कैसे चाहिए दो तीन मैन होते हैं जो बाकी एसोसिएशन को कंट्रोल करते हैं तो बस उनके बीच ये लड़ाई होती है सौरव गांगुली खुद इतने पावरफुल नहीं थे कि वो अपने आप को इलेक्ट कर सके। उनको भी किसी का exactly, क्रांतिकारी था। कितना तो आए है नहीं वो तो क्रांतिकारी हो भी नहीं सकते हाँ। क्योंकि फंक्शनिंग ऐसा है। तो जब इतना <coughs> है में, तो, सौरव गांगुली और इसमें हमारी भी गलती। हम सब हाँ। ने सोचा था अब सौरभ गांगुली आगे ऑप्टिक्स है सौरव गांगुली कहीं ना कहीं इनके डिजाइंस या इनके पार्टी के डिजाइंस इससे बड़े हैं बट वॉट बेटर वे टू गेट एम इन टू अ रोल ऑफ अथॉरिटी देन बी सी 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 आई बी सी सी आई सौरभ गांगुली हमेशा एक पोलराइजिंग फिगर रहे हैं जब वो उन्होंने अपना डेब्यू मारा था इंडिया के लिए नाइन्टी टू में तब भी कुछ लोग थे दिग्गज खिलाड़ी इनके खिलाफ थे टू कम बैक हे द मैन हैज हैज्वीज है डिट्रैक्टर्स एंड फैंस इन इक्वल अमाउंट्स यहाँ भी हम जो अगर बात करें तो बात वही है बट द थिंग इज

एक्सेप्टेबल हो, तो हो चाहे आपके एन श्रीनिवासन हो या जो भी हो वो मशीनरी चलाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है एंड अ लॉड ऑफ पीपल नीड टू कम ऑन द सेम पेज फॉर अट ऑफ थिंग्स विच मीन वोट

एक मैं सौरभ गांगुली के पक्ष में बोलूँगा उनको मैंने बहुत करीबी से देखा था जब वो सीएबी के जॉइंट सेक्रेटरी थे फिर प्रेसिडेंट भी बने एक दो बार उनके ऑफिस भी यहाँ मिलने तो मेरे लिए बहुत अलग था एक उनको एक बतौर कप्तान कवर करना जो इतने पावरफुल थे फिर मैंने उनको उस रूप में भी देखा जब वो एक डेस्क के पीछे बैठे थे और फाइलें उनके सामने पड़ी थी वो छोटे से जो दरबान से भी बात करना पड़ता था छोटा काम कराने के लिए वो कर रहे थे तो एक चीज़ जो साफ हो गई ये कि उनकी इंटेंट अच्छी है वो क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं वो उनके काम करने के नजरिए से आप देख सकते हैं आप अगर सीएबी में जाए बतौर जो वो प्रेसिडेंट थे कुछ चीज उन्होंने करी जैसे कि पिच एक तरह की होनी चाहिए उनका मानना था वैसी पिच हो जो यू नो गेंदबाजों को मदद करे अगर आपको याद हो बीच में

कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए जो बहुत ही इस वक्त ठीक नहीं है अपार्ट फ्रॉम जो हमने बोला चेंजेस कर रहे हैं आप अगर कुछ इश्यूज को आप देखें एक डोमेस्टिक टी ट्वेंटी लीग में करप्शन सामने आए हैं ठीक है मैच फिक्सिंग के इश्यूज सामने आए हैं ये वही कप्तान है जिनको कप्तानी दी गई थी आफ्टर मैच फिक्सिंग बचाने के लिए इस पे अभी तक इन्होंने कोई स्टेप लिया है? नहीं शायद प्रोसेस में हो वो देखता हुआ एक और चीज अम्बी राइडू जो तो इंडिया के लिए खेले है उन्होंने आपके सीधा सीधा बोला था कि सिलेक्शन में यहाँ पर बहुत भाईचारा चल रहा है करप्शन चल रही है सिलेक्शन में क्या उन्होंने फोन उठा के अम्बी राइडू से बात करना चाहिए टू फाइंड आउट मोर वो एक चीज है जो वो पब्लिक में अभी बात नहीं आई पर नहीं, नहीं मैं पता। एक और बड़ी चीज है जो आपको दिख रही है आप दो इंटरनेशनल खिलाड़ी अभी ले हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह दोनों इंजर्ड थे एक आ, रूल है एक फ्रेमवर्क है जिसके मुताबिक हर

नौ महीने बाद जो बी सी अभी लागू करना चाहता है लोधा कमेटी और आप जो फैन है सौरभ गांगुली के फैन है इंडियन क्रिकेट आप इतना पसंद करते हैं क्या आपके मन में वो सौरव गांगुली का जो एक इमेज है थोड़ा बदलेगा आपके लिए मेरे को एकदम ही नागवार गुजरा ये सुन सुनकर कि बीसीसीआई उनकी अध्यक्षता में वो चाह रहे हैं कि लोडा कमेटी की जो रिपोर्ट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कमजोर किया जाए मुझे लगता है कि ये गेम के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए और खास करके जहाँ इतनी लोकप्रिय है और वो बी -सी -सी का एक रोल रहा है उसको बनाने में भी और बिगाड़ने में भी उन्होंने बनाया जरूर है लेकिन बिगाड़ा भी बहुत है तो उसमें क्या वो कर पाएंगे या वो फिर जो है, जो जो लॉबी है पावर लॉबी है बीसीसीआई की आ, मतलब एक प्लेयर के नाते वो कुछ चीजें करना चाहेंगे लेकिन एक अध्यक्ष के नाते एक ऑफिसर के नाते उन्हें बाकी लोगों को साथ लेके चलना है तो वो कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे उनके साथ और उससे क्रिकेट को फायदा होगा नुकसान होगा मुझे उस बात की ज्यादा जवाब देता एग्जाम्पल दे जो जो के के गलियारों से सूत्रों है है तो चर्चा होती है अंडर नाइनटीन टीम के साथ काफी समय से जुड़े थे और राहुल द्रविड क्योंकि अब जूनियर क्रिकेट देख रहे हैं जी देख रहे हैं वो चाहते थे कि वो कंटिन्यू हो उनका कॉन्ट्रैक्ट उस टीम के साथ कंटिन्यू हो तो ऐसे सुनने में आया कि राहुल ने रिक्वेस्ट भी भेजी थी सौरभ गांगुली को अच्छा बावजूद को वो जॉब दिया गया है ठीक है आ, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्या आ, वो वहाँ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का थोड़ा बोलबाला है क्योंकि सेक्रेटरी वहां से आते हैं उनकी वजह से हुआ लेकिन आप टू एंड टू प्लस करके देख सकते बतौर प्रेसिडेंट भी अगर सौरभ गांगुली कुछ करना भी चाहे तो क्या हंड्रेड परसेंट वो कर सकते नहीं। नहीं। शायद नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ इतिहास ना कभी झूठ नहीं बोलेगा चाहे जो भी हो और इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ कि जब उनका टर्म खत्म होगा और उनके टर्म में जो जो चीजें होंगी तब मैं कहूंगा कि विल दैट हर्ट इज इमेज और विल दैट फर्दर बूस्ट इज इमेज फ्रॉम वीडी राइट नाउ आई थिंक बिग पॉइंट रेली की जो लोग आपसे इतना प्यार करते mm. हैं इस देश में फॉर वट यू डन ऑन द फील्ड एंड वट यू डन एज अ कैप्टन ऑफ इट एज वेल नाउ सडनली बींग द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड हैंग टू लुक एट सो मेनी अदर थिंग्स जस्ट अपचेज इसको ये ट्रेनिंग सेशन दो इसको यहाँ पे थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट सर ये तो बहुत छोटी बात है ना बीसीसी असली असली बातें तो वो है कि मैं उसके वोट कैसे लूं, हाउ डू आई गेट माई जो दबदबा टॉप थ्री का है आईसीसी के ऊपर वो कैसे बना के रखूं असली बातें तो वो है नहीं हमारे सामने दिल्ली का मुद्दा है डीडीसीए के मुतल बी के अध्यक्ष का और बाकी जो टीम है उनका क्या रवैया रहने वाला है एक तरफ आप चाह रहे हैं लोडा कमेटी का कि बैंड बजाए हाँ क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है एंड दे want टू गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम जहां इनकी अपनी hmm. दादागिरी चलती थी hmm. जो पावर लॉबी की yeah. अब डीडीसीए में हो रहा है दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोडा कमिटी के जो चार्टर हैं और जो डायरेक्टिव है उसको कमजोर किया जाए डी के मामले में उन अभी तक वो चुप है खामोश है जबकि इतनी बड़ी एक धांधली अपने अपने सामने हुई है hmm. तो फिर हम क्या उम्मीद करें सर बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई डोंक्ट टू ई एंड एवरी

डिफरेंट है या बड़े बड़े लोग शरद पवार ने अपने लाइफ में कोई इलेक्शन नहीं आ रहा वो बीसीआई के इलेक्शन हार गए थे जिस टेल्स यू कि कितना टफ है उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना सौरव गांगुली बहुत टफ नट है हमने देखा है हर जगह वो लड़ते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं बट ये इज अ डिफरेंट कैटल ऑफिश मैं क्या चाहता जैसे आपने कहा एज अ फैन ऑफ सौरभ गांगुली आई वुड प्रेफर कि वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनते

उनको अपनी तरफ एनी रूलिंग पार्टी टू विन दैट एरिया बाई आप ये नॉट वॉन्ट टू मेक हिम आप जरूर चाहेंगे बट डी वॉन्ट टू मेक वो तो मतलब उनके बंगाल में भी देखे ना जब इलेक्शन के लिए जब वो शुरू में खड़े हो रहे थे बहुत पोलराइज हो चुका था सी ए एक टाइम प्रसून मुखर्जी जो कमिश्नर हाँ। थे वो खड़े हो रहे थे डालमिया उनके खिलाफ थे पॉलिटिकल पार्टीज पूरा लेफ्ट वर्सेस टीएमसी वहां पे भी चल रहा था उस बीच भी सौरव गांगुली ने पोलिटिकली न्यूट्रल रहना समझा बेहतर होगा सीपीआई के साथ उनकी फैमिली के कितने कनेक्शन है बुद्धदेव भट्टाचार्य उनको चाहते थे कि आप ये करें फिर भी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि पॉलिटिक्स से वो दूर रहे सो आई एम जस्ट लुकिंग एट द हिस्ट्री वो हमेशा दूर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता अभी भी वो पॉलिटिकल प्लांज लेंगे लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी ने उनको इसलिए पोजीशन दी कि वो पॉलिटिक्स में है मुझे लगता है वो जैसे आपने शुरू में कहा ना उनको पता है उनको इतने लोग प्यार करते हैं इस देश में जैसे ही आप कोई पोलिटिकल साइड लोगे चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो जो भी हो आप हाफ सेट ऑफ फैंस को हाँ, दबा दोगे मुझे नहीं लगता मुझे की वो थोड़ी दिक्कत पैदा करेगी हमारे जैसे फैंस के लिए गांगुली को लेकर लेकिन मेरे दिमाग में दो सवाल है जो की मेरे को परेशान कर रहे हैं जवाबदेही का मामला सबसे बड़ा मामला रहा है बीसीसीआई को लेकर फैंस की तरफ खास करके हिंदुस्तान में फैंस की तरफ क्योंकि हम ही तो बुनियाद है इस पूरे बीसी से आई की है ना मतलब आप उनको उनकी तारीफ कर रहे हैं अगर फैंस ना हो तो वो से क्या करेगा ट्रू जवाबदेही बी सी की अगर बनती है तो मेरी इतना तो हम लोगों की उम्मीद थी कि गांगुली के आने से वो मोफट रहे हैं इज अ मैन हु वट ही बिलीवड इन तो उनसे इतनी उम्मीद बन रही थी कि अध्यक्ष होने के बावजूद मतलब कितने भी बड़े जाल क्यों ना हो ही वुड टेक अ राइट ऑन थिंग्स मुझे तीन महीने की इसमें यह नजर नहीं आ रहा है दिस इज नॉट द गांगुली ही अपेयर मच मोर केयरफुल एंड अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड एट द सेम टाइम ही इज ऑन बोर्ड ट्राइंग टू चेंज लोडा कमिटी मुझे ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है और दूसरा जो मुझे सवाल है कि वॉट इज एज अ प्लेयर एंड सच ए वंडरफुल प्लेयर दैट बीन एन ग्रेट कैप आप आईसी के रूल्स चेंज करवाना चाह रहे हैं पैसे के मुतालिक कहकर कि हिंदुस्तान से क्योंकि ज्यादा पैसे उगाई होती है इसलिए हमको ज्यादा मिलना चाहिए आई मीन दिस इज सेल्फ डिफीटिंग आई डोंट अंडरस्टैंड एज ए क्रिकेट प्लेयर how can he even think along those so, lines ICC isn't it better if more countries play more countries start learning and joining and uh, joining this game and enjoying this game or rather that you start restricting it to the top two or three? hmm iska sam samajh mein nahi aa raha mere ko कोई जवाब है इसका मेरे को इस बात नहीं सर इसका कोई जवाब नहीं है पर ये मुद्दा जो है हम हम इस पर ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब आपकी ड्राइविंग फोर्स इकोनॉमिक्स ही है

ट अनबल एलिमेंट चाहे वो डालमिया जी हो श्रीनिवासन हो उस वक्त गेम एक्सपैंडेड बांग्लादेश के साथ बीसीआई hmm. का जो रुक रहा हैिस्तान श्रीलंका ना दिस हैजीज अ प्रोवन मेथड बाई विच यू इनकरेज द गेम टू स्प्रेड एंड यू गेट मोर आई बॉल्स नाउ यूर गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन तो अगर आप

राइवलरीज uh, नहीं है हमारे यहाँ पे दुनिया में यहाँ पे राइवलरीज की बात ही नहीं हो पा रही यहां पे सिर्फ तीन टीमें हैं जिनकी रेगुलर फॉलोइंग है आप कह सकते हैं जो रेगुलरली कंपीट कर रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट में एक दूसरे के साथ और बाकी सब बहुत पीछे हैं सर अब उसमें सिर्फ एक बोर्ड या दो बोर्ड का योगदान है आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट बिकॉज आई थिंक फंडामेंटली देर इज समथिंग रॉन्ग विदोर्ट बिकॉज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग विदोर्ट विच इज वाई यू ट्राई ट्वीकिंग द स्पोर्ट इन द लास्ट 8 9 ईयर यू हैड सो मेनी चेंजेस कभी टी आ रहा है अभी आप फोर डे क्रिकेट बोल रहे हो अभी टी टेन आपको देखने को मिला है जो बाहर का बंदा आप अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हो वो कहेगा भाई ये कौन ये सा खेल है? है ये तो बदले जा रहा है यहाँ पे तो आपको बाहर के बंदे चाहिए

शुरू हुआ था उस वक्त लोग भी यह कहते थे हम समय तो पर बात कर रहे हैं संख्या, पर... संख्या नहीं नहीं संख्या भूल संख्या भूल जाइए तो उस वक्त उसका कोई मतलब नहीं था ना हमारे लिए क्योंकि वो खेलती नहीं थी बहुत बढ़िया टीम नहीं थी आज के दौर में अगर बांग्लादेश खेल रहा है इंडिया के साथ आपको लगता है कि आई नहीं रहेंगे इतनी बढ़िया टीम बांग्लादेश की बांग्लाश सर बांग्लादेश की है इंडिया से पाकिस्तान से उनके लीग प्लेयर्स ना अभी कोई किसी के पास कोई तीस साल तक सोच रहे लोग तो तीन महीने जैसे आप कह रहे हैं कि तीन ही है जो राइवलरी है आपकी ऑलमोस्ट वो टॉप तीन की बाहर की टीम है न्यूजीलैंड जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जीत गई थी कह रहा ना

बट hmm. अभी तीन महीने में कुछ चीजें जो से उन जो उम्मीद थी hmm. जो उन्हें करना चाहिए आई होप एक तो कि वो और मुफट हो, होने की जरूरत है हिंदुस्तान में hmm. मतलब ये एक डिप्लोमैट बनकर अध्यक्ष बने रहना एंड टू पैंडर टू डिफरेंट पावर लॉबीज इज नॉट गोइंग टू सेव हिम एंड सेव इंडियन क्रिकेट मेरा तो यही मानना है Like सौरव गांगुली बहुत अच्छा कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट के लिए मैं उनको देखना चाहूंगा एस डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट राधा उससे क्या होगा काम भी होगा क्रिकेट पे कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनेगा क्यों नहीं बनाई अगर आप क्रिकेट इज एट योर हार्ट आप चाहते हैं भारतीय क्रिकेट बेहतर हो आप बनना चाहिए उससे जो कॉन्फ्लिक्ट उनके खिलाफ आते हैं वो सब भी नहीं आएंगे वो एक पेड प्रोफेशनल पोजीशन होगी और मुझे नहीं लगता उनसे हो सकता है बेहतर कि इंडियन क्रिकेट को so, करे तो पोजीशन ले का ताज आपने चख <laughs> आप, so, आप, yeah. तो आप क्या चाहेंगे आप hmm. इससे अच्छा सेनापति चाहेंगे ना जो युद्ध में लड़ाई करे जो जाए आप गद्दी पे बैठ के जहां आप डिसाइड भी नहीं कर सकते डिसीजन तो सेनापति ले हमेशा फ्रंट में रहे जो हाँ. तो चाहते हैं कि मैं चेंज लाऊं चाहे वो इंडियन टीम में हो या इंडियन क्रिकेट में हो तो वो वो एक पोजीशन होगी जिससे वो काफी हाँ. चेंजेस ला सकते मुझे हैं मुझे लगता है एंड लेट लेट इट बी बी अ अ पेड यू नो प्रोफेशनल इफ रवि शास्त्री इज अ कोच एंड गेट्स की मंजिल कुछ और <laughs> और, ये हाँ। और ये बहुत ही बता रहे सर ये बड़े आराम से बोला ये धुआ हाँ। ये पंच आया एकदम भाई पच्चीस दिन में सौ काम ये क्लिप वापस चलाएंगे हमने आपको पहले बताया था मैं मेरी एक्चुअली बहुत छोटी सी मांग है मेरी ये मांग है आप जो भी टेस्ट सीरीज होगी इंडिया खेल रही हो एक पिंग बॉल टेस्ट होना चाहिए भाई होगा आई डोंट नो कितना रेगुलरली हो चार दिन का ना हो